ये बात करेंगे महा एग्जिट पोल की, और सबसे पहले महा एग्जिट पोल की बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो निकल कर आई हैं। पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, और हो सकता है कि इन दोनों राज्यों में किसी पार्टी को बहुमत ही न मिले। मध्य प्रदेश में बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए, लेकिन महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस को दोनों ही पार्टियां जो हैं वो बहुमत से दूर नजर आ रही हैं। बीजेपी को 112 और कांग्रेस को 108 सीटें मिलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर 46 सीटों पर बहुमत है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुमत से पीछे नजर आई। हालांकि दोनों के बीच कड़ी टक्कर जरूर है, यहां बीजेपी को 42 और कांग्रेस को 43 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस यहां बढ़त में है। लेकिन राजस्थान में तस्वीर बिल्कुल साफ है। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, यहां कांग्रेस को 109 और बीजेपी 80 सीटों के साथ संतुष्ट कर सकती है, यानी बीजेपी यहां बहुमत से काफी पीछे नजर आ रही है। और इसी के साथ तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव का जल्दी चुनाव करवाने का फैसला सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, यहां लगातार दूसरी बार टीआरएस की सरकार बन सकती है। इन चार राज्यों के अलावा मिजोरम में भी चुनाव हुए थे, आपको पता है मिजोरम में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक मिजोरम में हो सकता है कि पार्टी भी किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले। यहां मिंजो नेशनल फ्रंट सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति आपको बताएंगे। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, यहां 112 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, ये निकल कर आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें 230 हैं, इस हिसाब से बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत है, यानी बीजेपी बहुमत से फिलहाल 4 सीटें पीछे दिख रही है। कांग्रेस को 108 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत से कांग्रेस 8 सीटें पीछे नजर आ रही है, जबकि अन्य को 10 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 बार से बीजेपी की सरकार है, लेकिन लगता है कि चौथी बार सरकार बनाने में बीजेपी की थोड़ी मुश्किल यहां पर उसके लिए पैदा होगी। कांग्रेस को अपनी गुटबाजी खत्म करने का फायदा मिलता दिख रहा है। कांग्रेस ने इस बार मध्य प्रदेश में किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो नहीं बनाया है, लेकिन पार्टी ने कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कांग्रेस ने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, तो अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो इन दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि कमलनाथ इस पहले ही बोल चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल हमारे महा एग्जिट पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती नहीं दिख रही है। वैसे कुछ एग्जिट पोल्स ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत भी दिया है। अब ये समझ लेते हैं कि बीजेपी को बहुमत मिलता क्यों नहीं दिख रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान के हवाले छोड़ दिया। पार्टी को ये लगा कि शिवराज सिंह चौहान एक मजबूत नेता हैं और अपने दम पर वो चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है कि पार्टी का ये अनुमान सही भी साबित हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एग्जिट पोल है और नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। लेकिन ये भी सच है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार से किसान लगातार परेशान रहे हैं, उनका विरोध भी देखने को मिला है। वैसे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10, अमित शाह ने 22 और राहुल गांधी ने कुल 18 रैलियां की थी। अब मध्य प्रदेश के पुराने चुनाव नतीजे भी हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, हमने आपको पहले भी बताया। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 165 और कांग्रेस को 68 सीट मिली थी, आपको बताएं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को 58 सीटें मिली थी। इस हिसाब से इस बार बीजेपी को 53 सीटों का अनुमान उसके लिए दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को 50 सीटों पर फायदा हो सकता है। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 143 और कांग्रेस को 71 सीटें मिली थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 44.88% वोट मिले थे। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 37.64% वोट मिले थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 36.38% वोट मिले थे।
2008 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 32.39% वोट मिले थे। यहाँ पर जो अंतर है वो थोड़ा कम नजर आया, 2008 की बात हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की चलिए बात करें, इसका भी गणित आपके लिए समझना जरूरी है। बीजेपी के लिए राजस्थान एक बड़ा राज्य है, लेकिन आज के महा एग्जिट पोल से ऐसा लगता है कि इस बार राजस्थान बीजेपी के हाथ में नहीं आएगा। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं, लेकिन इस बार चुनाव 199 सीटों पर हुए। यहां कांग्रेस को पूरी तरह से बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी न्यूज़ के महा एग्जिट पोल के हिसाब से राजस्थान में कांग्रेस के 160 सीटें मिलती हुई कांग्रेस को दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी के हिस्से में 81 सीट आ रही हैं और अन्य के खाते में 11 सीटें हैं। हालांकि यहां ये भी कहना होगा कि राजस्थान में बीजेपी ने शुरुआती अनुमान के मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि चुनाव शुरू होने से पहले ये माना जा रहा था कि राजस्थान में बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारेगी। लोग वसुंधरा राजे की सरकार से खुश नहीं थे। उस वक्त तो ये भी माना जा रहा था कि राजस्थान में बीजेपी को 200 में से 25 से 30 सीटें ही मिल पाएंगी, लेकिन चुनावों की घोषणा के बाद बीजेपी ने जोर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कई रैलियां की। इसके बाद बीजेपी 81 सीटों के आंकड़े तक पहुंच सकती है। राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने 12 और अमित शाह ने 14 रैलियां की हैं। राहुल गांधी ने भी राजस्थान में 14 रैलियां की हैं। बाद में नरेंद्र मोदी की रैली की संख्या भी बीजेपी को बढ़ानी पड़ गई और इसी वजह से बीजेपी की सीटों में ये बढ़ोतरी भी देखी जा रही है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर आज भी काम कर रहा है। राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का पुराना ट्रेंड है और ऐसा अब ये लगता है कि यही ट्रेंड इस बार भी चलेगा। इसीलिए आपको राजस्थान चुनावों के पुराने नतीजे भी जान लेने चाहिए। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 और कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, यानी इस हिसाब से इस बार कांग्रेस को 86 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को 82 सीटों का नुकसान हो रहा है। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 78 और कांग्रेस को 96 सीटें मिली थी और 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 45% वोट मिले थे। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 34% वोट मिले थे। 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को करीब 33% वोट मिले। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 37% वोट मिले थे। और अब छत्तीसगढ़ के महापोल की बात आप करिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सियासी समीकरण है वो बदले हैं, लेकिन रमन सिंह की छवि को अभी भी कहा जा रहा है कि इसी के बूते बीजेपी जीत सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव हर बार बहुत ही दिलचस्प होता है, क्योंकि पिछले दो विधानसभा चुनावों में यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट शेयर का अंतर 1% के आसपास था। यहां आखिरी वोट गिने जाने तक मुकाबला बहुत कांटे का होता है। इस बार भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, तो इस हिसाब से बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल में बीजेपी को 42 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 43 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों और निर्दलियों को कुल 5 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में मायावती और अजीत जोगी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा है। अजीत जोगी ने साल 2016 में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाई, जिसका नाम है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन जी न्यूज के महा एग्जिट पोल को देखकर लगता है कि अजीत जोगी और मायावती का जादू नहीं चला है। लेकिन अगर एग्जिट पोल के अनुमान के विपरीत बीजेपी और कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता है तो अजीत जोगी और मायावती की पार्टी का गठबंधन छत्तीसगढ़ में किंग मेकर बन सकता है। ये सोचने वाली बात है। ये चुनाव रमन सिंह की राजनीतिक करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें युवा मुख्यमंत्रियों में गिना जाता था। रमन सिंह साल 2003 से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, यानी 15 सालों से रमन सिंह छत्तीसगढ़ की सरकार चला रहे हैं। अगर रमन सिंह ये चुनाव जीत गए तो ये उनके राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन और बड़ी जीत मानी जाएगी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने 4, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 6 और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कुल 13 रैलियां की थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुकाबले 3 रैलियां ज्यादा की हैं। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी की इन रैलियों से कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है। अगर हम छत्तीसगढ़ के पुराने नतीजों को देखें तो वो किस तरह से है वो भी आप समझिए। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 49 और कांग्रेस को 39 सीटें मिली थी।
2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 और कांग्रेस को 38 सीटें मिली थी। 2013 की बात अगर कर लें तो इन चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 0.75% का अंतर था, यानी कि 1% से भी कम का। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 1.7% का अंतर रहा है और 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 2.55 यानी कि 2.55% का अंतर था। अब मध्य भारत से दक्षिण भारत की ओर आपको चलिए हम लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की बात हो गई, मध्य प्रदेश की बात हो गई, राजस्थान की बात हो गई। अब तेलंगाना के एग्जिट पोल के बारे में आपको बता देते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का निर्माण जून 2014 में हुआ था। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं, तो इस हिसाब से तेलंगाना में बहुमत के लिए 60 सीटों की जरूरत है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की सरकार बन सकती है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक टीआरएस को 70 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और टीडीपी को 36 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद से ही वहां के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं और एग्जिट पोल्स के अनुमान के मुताबिक तो ये लगता है कि वो दूसरी बार भी तेलंगाना की कमान संभालेंगे।